पुष्पा का पहला गाना हो गया था लीक, क्यों कन्नड़ ऑडियंस को पसंद आया ये गाना? क्यों हिंदी से ज्यादा तेलुगु वर्जन हुआ पॉपुलर नॉर्थ में? पुष्पा का लेटेस्ट सॉन्ग हो गया है रिलीज और चारों ओर से मिल रही है इस गाने को रेव रिव्यूज। दक्को दक्को मेका पुष्पा के इस गाने ने मचाया ऐसा धमाल कि सब लोग रह गए तारीफ करते हुए देवी श्री प्रसाद के कंपोजिशन की। ये गाना थोड़ा है डिफरेंट बाकी गानों से, क्योंकि जैसा कि देवी श्री प्रसाद ने पहले ही कहा था कि इस फिल्म का हर गाना फिल्म की स्टोरी लाइन के साथ जुड़ा होगा, तो ये गाना भी वैसा ही है। अगर लिरिक्स पर गौर किया जाए तो हमें ये साफ पता चलता है कि ये अल्लू अर्जुन का पुष्पा के कैरेक्टर को डिफाइन कर रहा है, जो कि काफी रूथलेस कैरेक्टर है। पुष्पा के सेट से ऑलरेडी हो रही थी तस्वीरें लीक, मगर हम आपको बता दें कि सिर्फ तस्वीरें ही नहीं बल्कि जो गाना रिलीज हुआ है पुष्पा का वो भी लीक हो गया था ऑनलाइन, जिसकी वजह से भड़क गए थे अल्लू अर्जुन के फैंस। जी हाँ दोस्तों, दक्को दक्को मैका हो गया था ऑनलाइन लीक, जिसको जल्दी से हटाया गया और कुछ देर बाद ही गाना रिलीज कर दिया गया। इस गाने के रिलीज होते ही ऑडियंस से काफी प्यार मिला और स्पेशली कन्नड़ ऑडियंस को ये गाना काफी पसंद आया। असल में इस गाने में एक टिपिकल साउथ इंडियन ट्राइबल वाइब्स हैं, जिसकी वजह से लोग स्पेशली कर्नाटका में इस गाने के ट्यून को काफी पसंद कर रहे हैं। साउथ इंडियंस को वैसे भी पावरफुल लाइंस और पंच लाइंस बहुत ही पसंद है और इस गाने के लिरिक्स भी काफी पावरफुल है। इस गाने का तेलुगु वर्जन हुआ ज्यादा पॉपुलर और इस मामले में इस बार तेलुगु वर्जन हरा दिया है हिंदी वर्जन को, हिंदी के अपने ही क्षेत्र में। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ इंडिया में भी तेलुगु वर्जन को ज्यादा प्रेफरेंस मिल रही है, विशाल डडलानी के पावरफुल वॉइस होने के बावजूद भी, क्योंकि हिंदी गाने की लिरिक्स एक ट्रांसलेशन है तेलुगु लिरिक्स के, तो शायद इसलिए तेलुगु से ज्यादा पावर हिंदी सॉन्ग के लिरिक्स में प्रोजेक्ट नहीं हो पाई। लेकिन पॉपुलैरिटी किसी की भी ज्यादा हो, मगर ये सही मायने में हुई है एक क्लीन और क्लियर हिट। इस गाने ने पुष्पा के स्टैंडर्ड्स को और भी हाई कर दिया है और लोगों को अब और भी ज्यादा उम्मीदें हो गई है इस फिल्म से। पुष्पा अल्लू अर्जुन की पहली पैन इंडिया फिल्म है और इस वजह से अल्लू अर्जुन अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं इस फिल्म के लिए। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं अल्लू अर्जुन की पुष्पा के लिए? हमें बताइएगा जरूर, और फिल्मी वर्ल्ड की हर खबरों के लिए देखना ना भूलिएगा बॉलीग्राड स्टूडियोज।